ऑलराइट गाइस, सो यार हमारे इंडिया में 80-85% लोग जो है पिंपल से सफर कर रहे हैं, और पिंपल्स होने के बाद एक चीज जो है सबको वो फेस करनी पड़ती है जो कि कॉमन है, वो है एक्ने स्कार्स। ठीक है, पिंपल्स 3 से 4 दिनों में, हफ्तों में चले जाते हैं, लेकिन जो आपके एक्ने स्कार्स हैं वो सालों तक फेड नहीं होते हैं। सो आज की वीडियो में तुम्हारा भाई लेके आया है सिर्फ 5 बेस्ट एक्ने स्कार्स क्रीम्स जो कि इंडिया में अवेलेबल है, और वो क्रीम्स अगर आप यूज करते हैं तो आपके एक्नेस बहुत जल्दी जो है रिमूव होंगे। ठीक है, सो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। अगर चैनल पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो फर्स्ट। जितनी भी क्रीम मैं आज की वीडियो में आपसे लोगों से शेयर करने वाला हूँ सबकी जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो जो लोग मुझसे प्राइसिंग पूछते हैं वो लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया करें, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स अवेलेबल होती हैं, क्लिक करोगे अमेजोन ओपन हो जाएगा, वहां पे आपको प्राइसिंग मिल जाएगी। ठीक है, सो मुझे ना पूछिएगा, ठीक है, उससे आपका ही टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज मैं लेट रिप्लाई करूंगा तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा आप क्लिक करके देख लीजिए। ठीक है, सो आज के में फर्स्ट क्रीम जो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर सकता हूं वो है एजीडर्म 10%। ठीक है, इसके अंदर है एजिलिक एसिड जो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन होता है, यानी कि आपको एक्नेस के बाद में जो भी स्कारिंग होती है वो आप इसके थ्रू जो है रिमूव कर सकते हैं। इस क्रीम की सबसे खासियत ये है कि आप इसको जब आपके एक्नेस है, एक्टिव एक्नेस है, तभी भी आप इसको यूज कर सकते हो, ताकि आपके जो एक्ने है उसकी वजह से आपको जो है स्कारिंग ना हो। सो ये इसका एक एडवांटेज है, क्योंकि बहुत सारी जो क्रीम्स होती है उनको आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके एक्नेस बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, अदरवाइज वो क्या करेंगे आपके एक्नेस को बढ़ा सकते हैं, बट इसके साथ ये चीज नहीं है, तो ये आपकी स्कारिंग को काफी हद तक जो है रिमूव कर सकती है। सो अगर कोई एक अच्छी बजट में क्रीम ढूंढ रहा है अपने स्कारिंग को रिमूव करने के लिए तो आप इसको जरूर चूज कर सकते हैं। सेकंड क्रीम की अगर हम बात करें तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा ट्रेटिनोइन 0.025%। ठीक है, 0.025% से ज्यादा मत जाइएगा, बिकॉज उससे ऊपर आपकी स्किन कंडीशन के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, और वो एक डर्मेट ही सजेस्ट करेगा तो ही अच्छा रहेगा, बिकॉज मैं यहाँ पर आपकी स्किन नहीं देख सकता, तो मैं ओनली आपको जो है एक बेसिक आइडिया के थ्रू एक आपको एक क्रीम सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हर इंसान की जो है स्किन मुझे नहीं पता है, हर का स्किन टाइप अलग है, हर की कंडीशन अलग है, हर की स्कारिंग की इंटेंसिटी अलग है। ठीक है, सो जो भी वीडियो देख रहा है सेल्फ मेडिकेशन करे तो 0.025% से ज्यादा ना जाए, ठीक है, विच इज नॉट सेफ। ठीक है, तो 0.025% ट्रेटिनोइन आप ले सकते हैं। ठीक है, इसको अप्लाई कीजिएगा, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, बहुत ही थोड़े से अमाउंट से स्टार्ट करना है, यानी कि पीस साइज अमाउंट में आपको स्टार्ट करना है, जहां पर आपको स्कारिंग है हल्का हल्का वहां पे लगाइए, 1 से 2 घंटे अप्लाई कीजिए, उसके बाद धो लीजिए। ठीक है, और धीरे 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 इसका टाइम आप बढ़ा सकते हैं, फिर ओवरनाइट आप रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको पैच टेस्ट जरूर करना है, बिकॉज ये क्या है, एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रीम है। ठीक है, मैं हमेशा इसको सजेस्ट करने से बचता हूं, लेकिन फिर भी स्कारिंग के लिए, क्योंकि स्कारिंग बहुत ज्यादा लोगों की इश्यू है, और दिस क्रीम इज वेरी वेरी इफेक्टिव। सो जो लोगों को बहुत ज्यादा स्कारिंग है तो वो लोग इसको जरूर यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्रीम की अगर हम बात करें तो थर्ड है आज की वीडियो में टेजरोटिन, जिसके अंदर सॉल्ट है टेजरोटिन 0.05%। इसका जो क्रीम जिस नाम से आती है वो आती है टेजरेट 0.05%। ठीक है, तो आप इसको आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं स्कारिंग के लिए, लेकिन जिनको माइल्ड स्कार्स हैं आप वही लोग जो है इसको यूज कीजिए, ज्यादा अगर आपको गड्ढे हैं तो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ है कि हाँ ये इफेक्टिव है, लेकिन अगर आप यूज करोगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट्स इसके देखने को नहीं मिलेंगे। सो जिनको माइल्ड स्कार्स हैं वो लोग इसको यूज करें, लेकिन जिनको बहुत ज्यादा एक्ने के पिट्स हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, वो लोग इतना ज्यादा इसको यूज ना करें, इतनी इफेक्टिव नहीं है। उसके लिए आप ट्रेटिनोइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, 0.025% से स्टार्ट कर सकते हैं, 0.5% तक आप जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार डॉक्टर के पास जाके ही आप इस चीज को यूज करें। थर्ड क्रीम हमारी हो चुकी है, अब चलते हैं फोर्थ क्रीम की तरफ जो कि माइल्ड स्कारिंग के लिए है। तो ग्लाइको 6 या ग्लाइको 12 आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिनको लोगों को एक्ने के बाद में जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं उनके लिए जो है ये बहुत ही अच्छी रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो जिन लोगों को भी माइल्ड स्कारिंग है वो लोग ग्लाइको 6 और ग्लाइको 12 यूज कर सकते हैं। इस क्रीम को आपको कैसे यूज करना है, इसको आपको स्टार्टिंग में एवरी ऑल्टरनेट डे यूज करना है, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन यूज करना है। इस क्रीम के साथ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हर किसी की स्किन को ये सूट नहीं करता है, और सूट नहीं करता है इससे होता क्या है, जहां भी आपने इसको अप्लाई किया उसके आसपास के जो एरिया है वहां पर छोटे 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 दाने होने लग जाते हैं। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस अगर आप कर रहे हैं
तो प्लीज इस क्रीम को कंटिन्यू मत कीजिए, या अगर आप यूज करना चाहते हो तो 2 दिन में एक बार यूज कीजिए या 3 दिन में एक बार यूज कीजिए, फिर आप देखिए आपकी स्किन किस तरह से रिएक्ट कर रही है। अगर आपकी स्किन ठीक रिएक्ट कर रही है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो की 4th क्रीम। आज की वीडियो की 5th क्रीम जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और USA में नंबर 1 क्रीम है जो कि सजेस्ट की जाती है एक्ने स्कारिंग के लिए, वो है मेडर्मा। ठीक है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव क्रीम है, इसको इसकी मार्केटिंग भी इसी अकॉर्डिंग की जाती है कि आपकी अगर आपको कोई सीवियर चोट का निशान है या कुछ बहुत अगर आपको कोई लग गई है कट गया है तो ऐसी जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं स्कारिंग के लिए और इट इज इफेक्टिव। ठीक है, सो जो लोग एक इफेक्टिव क्रीम ढूंढ रहे हैं वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको छोटा सा आइडिया वापस दे दूं, जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा सीवियर इंटेंसिटी वाले एक्ने स्कारिंग है वो लोग सिर्फ 2 क्रीम्स के ऊपर के लिए जाएं, पहली है ट्रेटिनोइन, दूसरी है आपकी मेडर्मा। जिन लोगों को थोड़े कम या माइल्ड स्कारिंग है वो यूज कर सकते हैं टेजरेटिन, टेजरेट जेल 0.05 और वो यूज कर सकते हैं ग्लाइको 6 और ग्लाइको 12। ठीक है, ये उनके लिए काफी अच्छी रहेगी। और जिन लोगों को अभी एक्नेस है, रिसेंटली इनको एक्नेस है, वो लोग यूज करें एजिडर्म। ठीक है, क्योंकि एजिडर्म भी काफी ज्यादा इफेक्टिव है। तो यही क्रीम्स हैं जो कि इंडियन मार्केट में हर डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है, और जो नहीं करता है फिर वो आपके पैसे लूट रहा है, मैं आपको साफ बोलता हूँ। बिकॉज यही जो 5 क्रीम्स हैं जो कि रियली इफेक्टिव हैं और जिन्होंने सच में वर्क किया है लोगों की स्किन पे स्कार्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, अब अगली वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा ऐसे 5 फेस वॉशेस जिससे कि आपके डार्क स्पॉट्स, आपके एक्ने स्कार्स रिमूव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी क्रीम्स की बात, बिकॉज बहुत सारे लोग क्रीम्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो मैंने आपको क्रीम बता दी।